When a person sold an article, his profit percentage is 60% of the selling price. If the cost price is increased by 75% and the selling price remains the same, the decrement in the profit is what percent of the selling price of the article? देखो, बेसिक रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, देखो बेसिक रिलेशन क्या है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट में तो आप कैसे लिखते हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और ये वैल्यू किसके इक्वल आता है, वो आता है सेलिंग प्राइस के, करेक्ट है? आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो सिंपली आप अज्यूम करोगे कॉस्ट प्राइस सीपी है, प्रॉफिट आपको गिवन है यहाँ पे वो क्या है 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस, और आपको सेलिंग प्राइस भी नहीं पता तो आप अज्यूम कर लो कि सेलिंग प्राइस एसपी है, तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये गिवन है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 60% का क्या मतलब है, ये वैल्यू 3/5 के इक्वल है, और एसपी तो आप सिंपली यहां पे लिख दो कि आपको प्रॉफिट कितना मिल गया, 3/5 ऑफ एसपी, ये क्लियर है? तो यहां से आप सीपी इज इक्वल टू लिख सकते हो एसपी माइनस 3/5 एसपी, तो यहां से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 2/5 एसपी। ऐसा हमने इसलिए किया है कि हमें एसपी और सीपी में एक रिलेशन मिल जाएगा, तो यहां से एसपी अपॉन सीपी का वैल्यू क्या मिल गया आपको, वो मिल जाएगा 5/2, रेशियो मिल गया। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 20 50 ले सकते हो, 200 500 ले सकते हो। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास इनिशियल सीपी और एसपी का वैल्यू था 500 था सेलिंग प्राइस और 200 था कॉस्ट प्राइस। नाउ सेकंड केस में क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस किससे इंक्रीज हो गया, 75% से, तो न्यू सीपी कितना होगा, अज्यूम कर लो कि सीपी वन न्यू सीपी है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 200 और प्लस 200 का 75%, करेक्ट? तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 200 और प्लस इसका 75% कितना होगा, वो हो जाएगा सिंपली 150। तो यहां से ये मिल जाएगा आपको 350। इनिशियल प्रॉफिट कितना हो रहा था, अगर सीपी 200 है और एसपी 500 है तो प्रॉफिट कितने का था, 300 का। सेकेंड केस में सीपी कितना हो गया है, सेकेंड केस में सीपी चेंज होकर 350 हो गया है, तो प्रॉफिट अब कितना रह गया है, सिंपली 150 का प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट में डिक्रीमेंट कितने की कमी आई है, इनिशियल प्रॉफिट था 300, फाइनल प्रॉफिट है 150, तो कमी जो प्रॉफिट आई है वो कितना आई है, 300 माइनस 150 की कमी आई है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 150 के। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 150 500 का कितना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में, तो ये 5 और 5 से ये 30, दैट इंप्लाई 30%, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।